हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम हमारा कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड, जिसके अंदर हमने लेंथेनाइड कौन कौन से एलिमेंट है, उनको लेंथेनाइड्स क्यों बोला जाता है, उनका दूसरा नाम रेयर अर्थ मेटल्स है, फिर हमने उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, लेंथेनाइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और फिर हमने उनका आइसोलेशन पढ़ा था कि हमने लेंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे होगा। उसके अंदर सबसे मेन एक था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका काज क्या और उसके कंसिक्वेंस क्या है, ये सारी बातें जो हम पिछले जो हमारा कंप्लीट हुआ है चैप्टर उसके अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा जो लेंथेनाइड उसकी प्ले लिस्ट से आप पिछले लेक्चर्स देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। जैसा कि आपको पता है, पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, जो पिछली यूनिट हमारी कंप्लीट हुई है, जो लेंथेनाइड्स थे हमारे वो थे एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, यानी कितने हमारे 14 एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, यानी कि कितने हो गए हमारे 14 एलिमेंट्स ही हो गए। तो एक्टिनाइड्स की अगर बात करें तो जैसा कि हमारा है एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103, अब बात आती है यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है 90 जिसका एटॉमिक नंबर है वो एसी से स्टार्ट नहीं होता है, इससे पहले वाला जो एलिमेंट है 89 उसका नाम क्या है, एक्टिनाइड है या एक्टिनियम है। अब ये तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, एफ ब्लॉक। एक्टिनाइड क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 5F के अंदर भरा जाता है। अब बात आती है सर, जब फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम है भी नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट है, इससे पहले वाला एलिमेंट एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर भी इनको एक्टिनाइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई जो एक्टिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, इसके जस्ट बाद फिलिंग स्टार्ट होती है 5F की, और उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं किसकी तरह, एक्टिनियम की तरह, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, एक्टिनाइड्स रख दिया गया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक तो इनका ये पढ़ेंगे कि भाई कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई, शुरुआत में कितने एक्टिनाइड्स थे, बाद में कितने बने, फिर भाई इनको आइसोलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन एलिमेंट्स को याद करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको एक बार आ जाती है फिर आपको एक्टिनाइड्स ऑन द टिप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनटिल 1940 की, मतलब 1940 तक की अगर बात करें, ओनली 3 एक्टिनाइड्स डिस्कवर हुए थे भाई तब तक। कौन कौन से थे वो, यूरेनियम, थोरियम और प्रोटेक्निटियम। कौन कौन से थे भाई, यूरेनियम, थोरियम और प्रोटेक्निटियम। अब ये तो कितने हुए भाई, 3, मतलब लगभग 1940 तक, 1940 तक ओनली 3 एलिमेंट, 3 एक्टिनाइड्स डिस्कवर हुए थे, और आज के टाइम पर हम पढ़ रहे हैं भाई कितने एक्टिनाइड्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। अगर बात करें नेचुरली अकरिंग की, ये तीनों नेचुरली अकरिंग जो है हमारे एक्टिनाइड है, इसके बाद जो डिस्कवर हुए वो सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं, मैन मेड। ठीक है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मेड बाय आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट। उनको भाई कैसे प्राप्त किया गया, आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट के द्वारा जो है प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इसलिए इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, हेंस आल्सो कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, मैन मेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 91 हो गया। अब इन एलिमेंट्स के ऊपर आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट के बाद हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उन सब एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर थे इन तीनों से हायर मिले। मतलब है, जब हमने आर्टिफिशियल बॉम्बार्डमेंट की, मान लिया यूरेनियम के ऊपर की, थोरियम के ऊपर या प्रोटेक्निटियम के ऊपर की, तो जो एलिमेंट नया बन करके आया उन सब एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, वाज ग्रेटर देन 92, वाज ग्रेटर देन 92। तो इसलिए इनको एक नाम और दिया गया,
ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि भाई 92 यूरेनियम का था, उसे हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहे थे, सबका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा था, मास भी ज्यादा था, तो इसलिए जो ये नाम था मैन मेड एलिमेंट, एक नाम और रखा गया इनका, उनको बोल जाएगा ट्रांस यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद, तो क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियली मेड एक्टिनाइड्स हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन यूरेनियम, मैं 92 की बजाय क्या लिख देता हूं, यूरेनियम, हेंस आल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, इनको क्या बोला जाता है भाई, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और आज के दिन अगर बात की जाए भी एक्टिनाइड्स की, तो जितने एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं उसका लगभग 15% कौन है, अकेले एक्टिनाइड्स हैं, तो लिखेंगे these are about 15% ऑफ ऑल केमिकली नॉन एलिमेंट्स, जितने भी आज तक एलिमेंट्स जाने गए हैं केमिकली नॉन एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो कौन है अकेले भाई, एक्टिनाइड्स। अब जितने भी एक्टिनाइड्स हैं सबका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं भाई, जिनके अंदर से कंटिन्यूसली क्या निकलती रहती हैं, रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं, यानी ये ह्यूमन के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। और क्या बात ले लेते हैं हम यहाँ पर, दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं भाई, जहरीली होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे स्टडी की गई है उसके अंदर कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब एक्टिनाइड्स भाई जब से हम कोई किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में हमें उसकी प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज का नहीं पता होता, लेकिन जैसे कि भाई आजकल केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, इनकी स्टडी थोड़ी ईजियर हो गई है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर बात की जाए पहले प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी इनकी एक्सट्रैक्शन के अंदर, तो वो क्या क्या थी वो हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं, स्टडी ऑफ एक्टिनाइड्स हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ एक्टिनाइड्स हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है भाई, पहला, जब पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की जाती है यूरेनियम के ऊपर या थोरियम के ऊपर या प्रोटेक्निटियम के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे जो क्रिस्टल लेटिस है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है, उसको तोड़ देता है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट करता है। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग डिके आर हाईली एनर्जेटिक विच रप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं भैया, इतनी एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स के पास है कि वो क्या कर देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ही क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दीज अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ रिडक्शन, हेंस, अब इसका मतलब समझो भाई, कंटिन्यूअस सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है कि जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उस दौरान इनके खुद के बॉन्ड बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इससे क्या है, हमें किसको एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे पाते कि हाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक फिक्स होगी, +2 होगी, +3 होगी या +4 होगी। तो क्या लिखा हमने, दीज अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ रिडक्शन, हेंस इट इज ए डिफिकल्ट टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट
फॉर ईच रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा, वहन ए सैंपल इज हीटेड द एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी हाई। तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एक्टिनाइड्स को स्टडी करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के बाद हम बात कर लेते हैं उसके कंसिक्वेंसेस की, कि भी क्या परिणाम होते हैं उसका, उसके कंसिक्वेंस क्या पड़ेंगे हमारी स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो पहला, जब भी इनकी स्टडी की जाए तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपनी प्रॉपर शील्डिंग कर ले। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशंस निकलती हैं भाई वो मन के लिए टॉक्सिक है। अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक उसके एक्सपोजर में रहा, उसके टच में रहा, तो उसको अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो पहला क्या है भाई, प्रॉपर रेडिएशन शील्डिंग मस्ट बी फॉलोड, बिकॉज ऑफ रेडिएक्टिव नेचर। क्योंकि इनका जो नेचर है भाई वो कैसा है, रेडिएक्टिव है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, अब कई बार क्या होता है, रेडिएशन इतनी स्ट्रोंग होती है कि शील्डिंग नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें, रिमोट कंट्रोल का, कि कहीं हम और कहीं बैठे उस ऑपरेशन को ऑपरेट करें, ताकि उस दौरान जो रेडिएशन निकलती हैं वो हमारे ऊपर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट ना डाल पाए। तो दूसरा क्या है, इन मैनी केसेस ऑपरेशंस मस्ट बी कैरिड आउट बाई रिमोट कंट्रोल। कि जो एक्सपेरिमेंट हम करें वो किसके द्वारा करें भाई, रिमोट कंट्रोल के द्वारा। और लास्ट भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड ए कैरेक्टराइज दीज एलिमेंट्स। कि कई बार वही एलिमेंट्स को आइसोलेट करना और उसकी कैरेक्टराइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान जो एटम हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जैसे कि क्या बोला भाई, आइसोलेट एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकॉज, दिखाई दे रहा ना भाई यहाँ तक, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट्स फॉर्म्ड आर इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। जो एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेंडेलिवियम के हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर भी केवल भी 1 से 3 एटम ही प्राप्त होते हैं, तो उसको करेक्टराइज करना और आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लियर है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री एक्टिनाइड्स के बारे में। इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्टिनाइड्स को याद करेंगे, फिर उसके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या हैं, कैसे याद करना है, क्या तरीका है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस झुलाना के साथ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।